तो मैं हूँ आपका होस्ट ऑल और आप देख रहे रसल ऑल। तो फाइनली दोस्तों हमारे इंडियन लाइन सांगा वीरमान जिंदरमाल फाइनली रॉ में ड्राप हो चुके हैं। अब दोस्तों फाइनली हमारे वीरमान और सांगा WWE में कुछ कर पाएंगे क्योंकि वो मेन रोस्टर में ड्राप हो चुके हैं ऑफिशियली। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज यानी वीरमान और सांगा अपना अगला टारगेट किसको बनाने वाले। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे। तो दोस्तों जैसा कि हमको मालूम है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे काफी डोमिनेट टैग टीम है। अगर दोस्तों हमारे वीरमान और सांगा का मैच इनके साथ होगा तो सोचो क्या टैग टीम होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन काफी बड़े सुपरस्टार है और हमारे वीरमान और सांगा भी कनकाटी में काफी बड़े सुपरस्टार है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं हमारे गंतर यानी पूरा इंपीरियम यानी दोस्तों गुंतर जवानी विंची और लिक्विड काइजर। अगर दोस्तों इनका मैच हमारे इंडस्ट्रीज यानी जिंदरमाल सांगा और वीरमान के साथ होगा तो सोचो क्या सिक्स मैन टैग टीम मैच होगी। और आपके जानकारी के लिए भी बात बता दो कि हमारे रिंग जनरल गुंतर अभी ड्रॉ में ड्राप हो चुके हैं। अगर दोस्तों हमारे इंडस्ट्रीज ने इनको टारगेट किया तो इनका मैच हमको देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 1 पर आते हैं सेथ रॉलिंस। तो दोस्तों जैसा कि हमको मालूम है हमारे सांगा और वीरमान WWE के मेन सुपरस्टार के ऊपर टारगेट करते हैं और जैसा कि हमको मालूम है हमारे सेथ रॉलिंस WWE के काफी बड़े सुपरस्टार है। अगर दोस्तों हमारे वीरमान और सांगा को टैग टाइटल चाहिए तो सेथ रॉलिंस जैसे बड़े पहाड़ को फेस करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे वीरमान और सांगा के इसके वजह से काफी बड़ी हाइप हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि हमारे बुकर टी ने हमारे सांगा और वीरमान की बड़ी तारीफ की थी और दोस्तों उन्होंने इसके साथ ये भी बात कही कि वीरमान और सांगा को देखा तो पुरानी टैग टीम की याद आती है और इसके वजह से हमारे वीरमान और सांगा WWE के टैग टाइटल भी जीत सकते हैं। बाय द वे आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।